आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। एक फॉर्च्यून 500 कंपनी हो या फिर एक स्टार्टअप, किसी भी कारोबार की नींव उसकी टीम होती है, कंपनी के कर्मचारी होते हैं। और एक सफल कारोबार चलाने के लिए अहम होता है कि शुरुआत से ही आपकी टीम मजबूत हो और हाईली स्किल्ड भी। तो कैसे बनाए एक विनिंग टीम, यही बता रहे हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख। सबसे पहले अगर आपने बेसिक बुनियाद सही नहीं रखी तो पीपल मैनेजमेंट के सारे चीज यूजलेस हो जाएंगे। बेसिक बुनियाद का मतलब है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो सबसे पहले उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो बेसिक फाउंडेशन है हर ऑर्गेनाइजेशन की एचआर का, वो होता है गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसके जॉब डिस्क्रिप्शन या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करने से। मैंने अक्सर देखा हूं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब बात आती है तो काफी लोग इसका कट कॉपी पेस्ट जॉब बहुत करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे कि इंटरनेट से रेडी मिल गया तो उसका एक पेपर बना लेते हैं और वो पेपर लोगों को देते हैं कि ये आपकी जॉब हो गई। लेकिन आपका बिजनेस तो यूनिक बिजनेस है ना, और जो लोग काम कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक टास्क होती है, तो आपके लिए आपका स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन लगेगा। तो सबसे पहला आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करें, दो चीज में डिफरेंशिएट करें, एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरे अकाउंटेबिलिटीज। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक छोटे से जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो हम सैलरी दे रहे हैं वो इस वजह से दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक सेल्स पर्सन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये होगी कि आपको सेल्स नंबर अचीव करना है, कलेक्शन टारगेट्स अचीव करने हैं और ये सारे ज्योग्राफी में आपको स्प्रेड करना है ये हमारे प्रोडक्ट्स को, सपोज। तो ये तीन वजह से वो इस बिजनेस या इस काम में है। अगर ये तीन नहीं करें तो उसे यहां नहीं होना चाहिए, या उसके टारगेट्स नहीं अचीव होंगे इसमें तो लॉन्ग टर्म वो रहेगा नहीं है बिजनेस में। तो ये होती है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सारे एचआर का जो बुनियाद जो है या उसका कोर जो है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट और एक ऑर्ग स्ट्रक्चर से शुरू होता है। अब ये जैसी हो जाए, इसके अलावा आपको ये देखना है आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, उस हिसाब से आपकी रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, आप कितने लोगों को कब तक हायर करना चाहते हैं, क्या लेवल पे हायर करना चाहते हैं। तो अगला ये सवाल होगा कि क्या सैलरीज पे हायर करेंगे आप। सैलरीज रैंडमली फिक्स तो नहीं करेंगे आप, नहीं तो बाद में सारा केओस हो जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल चीज होती है, आपको एक ग्रेड स्ट्रक्चर और बैंड स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, ग्रेड्स में डिवाइड करना होता है एम्प्लॉइज को, और वो ग्रेड के हिसाब से उनकी सैलरीज आगे बढ़ेगी। एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन और ऑर्ग स्ट्रक्चर रेडी हो जाए और फिर उसके बाद आपने ग्रेड स्ट्रक्चर्स बना दिए, सैलरी स्ट्रक्चर्स बना दिए, याद रखिए आप हेल्प करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आपके एम्प्लॉइज जो है उनकी सैलरीज टैक्स एफिशिएंट तरीके से आप उनको दे रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप सैलरीज के बारे में जब पूरा डिसाइड कर रहे हैं तो उसका कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर आप डिसाइड कर लें कि फिक्स्ड पे कितना होगा, वेरिएबल पे कितना होगा और वेरिएबल पे किस तरह से देंगे। अक्सर हमारी जो मेंटालिटी होती है, जो काफी लोग लूजली बोलते हैं, लाला कंपनी है भाई, ये तो सेठ डिसाइड करते हैं या सांप डिसाइड करते हैं, तो उनके साथ सही रहें बिकॉज उनको सही चीजें बताएं तो वो हमारे को इंक्रीमेंट बेटर देंगे या इंसेंटिव अच्छा मिलेगा। ये बातें जो इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं होता। तो आप जो है इसका ध्यान रखें कि जो आपकी जो वेरिएबल पे सिस्टम है वो अच्छी तरह से डिजाइन की हो, और दूसरा उसको आप लिंक करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से। एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपका होना जरूरी है, और उसका जो कोर होता है वो आपके एनुअल केआरए या एनुअल गोल से लगा होता है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि अप्रेजल जो है ईयर के एंड में होता है, लेकिन ईयर के स्टार्ट में उसे अचीव क्या करना है वो तो बताएं, और वो भी लिख दिया तो अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि 6 महीने के बाद आपको उसका रिव्यू भी करना है, क्योंकि अगर कुछ मार्केट चेंजेस होते हैं या कुछ सिचुएशंस चेंज होते हैं बिजनेस में तो आपको फाइन ट्यून करना है वो।